छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां गरियाबंद कांग्रेस अध्यक्ष बैसाखू राम साहू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि बैसाखू राम साहू ने क्षेत्र के 9,207 लोगों से बड़ी राशि जमा कराई थी, जिसके बाद उन्होंने इसके साथ धोखाधड़ी की और ये मामला सीधे पुलिस में पहुंच गया। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बारे में पीड़ित पक्ष का क्या कहना है। यहाँ एक आदमी से 1,502 रुपए बैसाखू गुरु जी दूचार झनौरी से आस पास होकर संग हेमलारी से पाल मन वो सब कैसे जमा करो कितने जमा करें हम 1,502 रुपया और 5 साल में 58,000 तोले मिल ही एक एक आदमी ऐसे करके बोली समान है तो व्यवस्था करके फिर जमा करें हम पैसा ला और 5 साल के बाद उकर आपिस में गिनते नहीं रही समान बन पाए जिस उकर बाद हम गुरु जी घर खुद गए रहे में हैं तो गुरु जी नहीं रही से बाहर चल रही से तो फिर बाद में मुलाकात करें तो कहते गुरु जी मोर बड़े अधिकारी से पहचान है बड़े मंत्री से पहचान है मोर और तुम मोर कुछ नहीं कर सको तुम्हारे पैसे गमन हो गए जो करना है सो कर लो ऐसे बैसाखू बोली से मान लो उसके बाद हम थाना वाले सब थाना में शिकायत करें स्पीकर शिकायत करें उन्होंने जरूर जाँच करी लेकिन एकदम ढील लगास करी उन्होंने जाँच 6 दिन के 6 महीने बिताए हमन हाँ जाँचे में अच्छा। हाँ तो अभी कहाँ होते अभी अब फाइल दर्ज करें किसे से व्हाट्सएप में दे है मोर मोबाइल में आए हैं तो कतेक आदमी से ले पैसा 9,000 आदमी से ले 9,200 करीब आदमी से ले आसपास के आदमी से ले मन हाँ। करोड़ 1,38,00,000 और कुछ हजार पैसे हुए हैं तो अभी जो जमा करे देकर मन के स्थिति का है अरे पूरा डाउन भी है बनी कर कर कोई बाहर से पैसा ला लगा सब जमा करे है ना पैसा ना तो किसान मन काफी परेशान है बहुत परेशान परेशान तो रहिएगा पैसा जे किसानों मन कहती हमारा पैसा दे बात दे इसी के पैसा की मांग ज्यादा करा था मना सर जैसे तू मतलब किसान मतलब धोखा दे है तो जो धोखा देने वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हाँ हमारे तो बिचारी की कार्रवाई होना चाहिए भाई काबर धोखा दे काबर इसे करा था आदमी है ऐसे है तो तुहर में कौन आ रही पैसा लेके बैसाखू गुरु जी हेमलाल पाल दो चार जन आ रही सुमन है पैसा तो जो करना कर दो जो करना है तुम कर लो हमारे उच्च अधिकारी से पहचान है मंत्री लेवल के आदमी है हमारा तुम्हारे पैसा गमन हो गई कथे बैसाखू वही इस पूरे मामले में बैसाखू राम साहू ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। बैसाखू राम साहू सहित सर्वोदय ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से जुड़े कुल 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है मगर पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में आरोपी बैसाखू राम साहू का क्या कहना है। ग्रामीण लोग आरोप नहीं लगाए हैं ग्रामीण लोगों को हमारे विरोधी लोग हवा देने के प्रयास कर रहे हैं और जब जब मैं कुछ पद में जाने का सोचता हूँ ना उस समय ये लोग प्रयास करते हैं कि ये पद में ना पहुँचे ईर्षा जलन द्वेष है और विरोधी लोगों का सब टारगेट मिलने के प्रयास है। अभी भी मेरा कार्यक्रम जैसे पुनिया जी आए बघेल जी आए TS सिंधे जी बाबा आए कार्यक्रम इतना भव्य रहा लोगों के मन में जलन हो गया कि इसको कैसे करके कैसे किया जाए इसलिए लोग दुनिया भर के मीन मेक निकाल के मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। पहली बात यह है कि जो प्रकरण चल रहा है ना उसका 3 बार थाना में जाँच हो चुका है कोई भी प्रकार का कोई कमी नहीं कोई भी प्रकार का कोई नहीं पाया गया अभी भी दबाव डाल के राजनीति करके इसको ऐसा उभारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसको ले जाकर प्रदेश में पेश किया जाए और हमको नीचा दिखाने का प्रयास करें। एक दो कई बार हो रहा है ऐसी ऐसी बात तो मैं नीचा देखने वालों में से नहीं मैं तो अपने काम करने में विश्वास रखता हूं और काम करूंगा और कांग्रेस को पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। नारायण नारायण।